अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? फिट फाट हैं? बम बाट हैं? यार बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि वाह भाई कोई कॉन्टिनेंटल फूड बनाए, जैसा कि लाहौरी चने हो गए या इस तरह की कोई डिश बनाए और जाके होमलेस लोगों में उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आज मैंने सोचा कि हम बनाए गए लाहौरी खोए वाले चने और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शायान भी स्कूल से आ चुका है और इससे पहले कि वो भाई साहब आके पिछली वीडियो की तरह मोबाइल पकड़ के ओपनिंग शुरू कर दें, तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बना रहा हूँ खोए वाले मजेदार चने। नहीं, मेरे पास सुनो, आप बताओ क्या लिखो अपना नाम में, ना कोई चॉकलेट ही कुछ लिखो, चॉकलेट या फिर व्हाइट कुछ लिखो। रोज चॉकलेट वाली चीजें बनाया करूँ क्या? हाँ। बेटा रोज रोज तो एक चीज नहीं बनती। क्या हुआ? हीरा मिल गया। हीरा मिल गया। किस्मत वही हीरा मिल गया शायान को। यार ये तो करोड़ों रुपए का हीरा है ना। तो चलिए यार लाहौरी चने स्टार्ट करते हैं, बहुत मजेदार रेसिपी बनेगी। हाँ बेटा, मैं देखो कैसे। शुक्र है यूनिफॉर्म चेंज कर लिया आपने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यार इंशाल्लाह बहुत मजे के आज हम चने बनाएंगे। सामान सारा मैंने अपनी ओपन एयर किचन में ला के रख दिया है। चूल्हा हमने दोस्तों ऑन कर लिए, कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। तकरीबन आधा लीटर हम ऑयल डालेंगे, जो कि लगभग 2 से 2.5 कप बनते हैं, क्योंकि 2 किलो चने हम बना रहे हैं। ऑयल थोड़ी देर में गर्म होगा, इसके बाद हमने ग्राइंड किए हुए प्याज डालने हैं इसके अंदर। ऑयल दोस्तों हमारा गर्म हो चुका है, अब हम ग्राइंड किए हुए प्याज डालने लगे। ये देखिए मैंने जूसर में इनको ग्राइंड कर लिया था, इससे ये होगा कि हमारा जो ग्रेवी बनेगी छोलों में वो बहुत ही गाढ़ी और मज़े की बनेगी। यार प्याज को हमने बिल्कुल ब्राउन करना है और जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे इसके बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी प्याज को हमने मजीद ब्राउन करना है ताकि हमारे चनों का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत आए। दोस्तों माशाल्लाह से प्याज हमारे देखिए ब्राउन हो गया और इतने ही ब्राउन हमें चाहिए थे। इन्हीं ब्राउन प्याज की वजह से चनों का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा आएगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी दोस्तों हम मसाले डाल लेते हैं। कोटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 4 चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें। नमक हम 2 चम्मच डालेंगे, क्योंकि जब हमने चने बॉयल किए थे तो नमक हमने उसमें भी ऐड किया था। हल्दी ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे हम। दोस्तों तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इन मसालों की भुनाई की है और अभी हम इसमें चनों को ऐड करने लगे हैं। ये चने माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉयल हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये कुछ चनों को मैंने ना ग्राइंड कर लिया था, इससे भी ग्रेवी बहुत थिक और मज़े की बनेगी। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं चनों के अंदर। वाह माशाल्लाह यार, चनों को हम यहाँ पे अच्छी तरह भुनेंगे। भुनाई के बाद इसमें हमने पानी ऐड करना है ग्रेवी के लिए, और पानी कौन सा ऐड करना है, जिस पानी में हमने इन चनों को बॉयल किया था वही पानी हम इसमें ऐड करेंगे। यूँ समझे चनों का सूप ऐड करेंगे हम इसके अंदर। ऐसा लग रहा है आप चिकन बना रहे हो। चिकन तो नहीं बेटा, चने बना रहा हूँ। चेफ आर चने, चेफ आर चिकन, बराबर ही है ना। क्या कर रहे हो, खा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो ऐसे ऐसे कौन खाता है, हटो। शाबाश यार, चने अच्छी तरह से हमने भून लिए और अभी हम इसमें चनों वाला पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अभी हम चनों में मलाई डालने लगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगी हमारी डिश के अंदर। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, इससे हमारे चनों पे मक्खनी फ्लेवर आएगा। खोए वाले चने ऐसे थोड़ी कहते हैं, लाहौर के चने
पूरी दुनिया में फेमस है भाई, पूरी दुनिया में। मैं भी जब किसी ज़माने में लाहौर में जॉब करता था तो लाहौर के चने नाश्ते में रोज़ाना खाते थे हम। तो अभी दोस्तों हमने काली मिर्च ऐड करनी है, तकरीबन 2 चम्मच हम काली मिर्च ऐड करेंगे। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत यार, माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, हमारे चने बिल्कुल रेडी हैं। लीमू डाल लेते हैं और हरी मिर्च डाल लेते हैं हम। बहुत ही उम्दा यार, माशाल्लाह। सबसे पहले तो भाई घर वालों की फरमाइश आई है कि लाजमी हमारे लिए आपने देने हैं, तो सबसे पहले हम घर का हिस्सा निकाल लेते हैं। इसको हम रखते हैं यहाँ पे। शाम हो चुकी है, वक्त का पता ही नहीं चलता यार, आजकल जिंदगी इतनी भागम भाग हो गई है ना, टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छी बात यह है कि खाना हमारा गर्म है और इंशाल्लाह जिसको भी देंगे बड़ा मज़े से खाएगा भाई। चाचा रोटी खासो, क्या बात है यार, ये बाबा जी आए हैं, इनको मैं खाना खिला दूँ, घर से प्लेट लेकर आता हूँ। मैं घर में खासा शापर है, शापर में दे दूँ? अच्छा यार, ये कह रहे मैं घर जाके खाऊंगा, शापर में दे दूँ। ले लो चाचा, ये लो। दुआएं देखे जब मिलते ना, यकीन करें दिल खुश हो जाता है यार। मेहरबानी चाचा, मेहरबानी, बस इसी तरह दुआ किया करें। हेलो हेलो, तो चलिए दोस्तों हम इन पैकेट्स को नीडी और होमलेस लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। सारा खाना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सबसे अच्छी बात यह है कि नीडी और मुस्तहिक लोगों को हमने दिया है, इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छे से व्लॉग के साथ, मजेदार रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।